फंगस को लेकर पूरे देश भर में काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई है। सामने आई अगर अलर्ट की बात करें तो ब्लैक फंगस संक्रमण फैलने की एक और गंभीर वजह बताई जा रही है और विशेषज्ञों ने कई चेतावनी भी इसे लेकर दी है। जी हाँ, अगर चेतावनी की बात की जाए तो आपको बताना चाहेंगे फंगस संक्रमण को लेकर क्या कहना है रिपोर्ट का। दरअसल विशेषज्ञों ने इसके बारे में बताया है। पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि डॉक्टरों का कहना था कि ब्लैक फंगस फैलने की खुशी की वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण में आने वाले लोगों के ट्रीटमेंट में उनका इम्यून काफ़ी लो हो जाता है और बैक्टीरिया जो है दवाइयों की वजह से अंदर वो खत्म हो जाते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम होते हैं। और जब बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इन्फेक्शन बढ़ जाता है और इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी में नहीं होती। अब कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर कई तरह से लोगों की परेशानी बनी। इसके बीच में वायरस के म्यूटेशन के कारण न सिर्फ लोगों में इस बार गंभीर लक्षण देखे जा रहे हैं बल्कि पहली लहर की तुलना में इस बार निधन के आंकड़े भी अधिक रहे हैं कहा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। म्यूकर माइकोसिस के 11,000 से अधिक मामले अब तक सामने आ गए जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र ज़्यादा प्रभावित। तो आपको बता दें कि म्यूकर माइकोसिस को अधिक सूचित महामारी घोषित कर दिया जा रहा है। कई राज्यों में ये भी कहा जा रहा है। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि कैसे ये लक्षण इसके पता चलते हैं, क्या है इसके पीछे के लक्षण और कैसे सावधान रहने की ज़रूरत है। दरअसल स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस पर बात की है और बताया है जाँच के बाद स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा प्रयोग कोविड-19 के इलाज के दौरान और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना, ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग करना मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों को म्यूकर माइकोसिस के प्रमुख संभावित करके रूप दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के उपयोग को भी इसके कारण एक रूप माना गया है। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि औद्योगिक ऑक्सीजन का उपयोग यानी कि कोविड के इलाज के लिए औद्योगिक ऑक्सीजन का संभावित कारण भी मेडिकल इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में फर्क नहीं पता है लोगों को, लेकिन ये कारण भी एक गंभीर समस्या को जन्म दे रहा है। मेडिकल इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में फ़र्क बहुत ज़्यादा है कहा जा रहा है। और ब्लैक फंगस के मामले में बढ़ोतरी इसलिए भी है क्योंकि औद्योगिक ऑक्सीजन को ट्रकों और बैंक से लाया जाता है और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है ये भी कहा जा रहा है। इन उपकरणों से भी खतरा है, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया। ह्यूमिडिफायर में इस्तेमाल होने वाले पानी के कारण भी फंगस संक्रमण बढ़ता है। अगर प्रोटोकॉल की माने तो साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और समय से पानी बदलने की ज़रूरत है। कैनुला और ऑक्सीजन मास्क को फेंक देना चाहिए जो इस्तेमाल मरीजों में होते हैं। और इसी तरह से कहा जा रहा है कि खुद पर अगर ख्याल रखना है तो ये सारी चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।